भारत में आक्रोश की लहर फैल गई है। आज हड़पसर के सुमती भाई आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टरों के संगठनों द्वारा काम बंद और विरोध रैली का भी आयोजन किया गया। पुणे में भी डॉक्टरों के संगठन जगह जगह इस घटना का कड़ा विरोध कर रहे हैं और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। घटना के विरोध में सैकड़ों डॉक्टर, नर्स और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर आए। सुमतीबाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय हडपसर पुणे सानेगुरुजी हॉस्पिटल चे विद्यार्थी सगळे पदवीधर सगळे डॉक्टर्स आज आम्ही प्रोटेस्ट करत आहोत। 31 इयर फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर कोलकात्यामधली जे तिच्या सोबत झालं त्याच्यासाठी आम्हा सर्वांना न्याय हवाय। आज आम्ही 12वी नंतर नीट क्वालिफाय करून UG शिक्षण घेऊन त्यानंतर PG करतो आणि PG केल्यानंतर आज ज्या लोकांना जे सेव्हियर्स आहेत ते आज सफर होत आहेत, तर यावरती काहीतरी मोठा प्रश्नचिन्ह उभं झालेलं आहे आणि समाजाला आणि देशाला याच्यामध्ये काहीतरी पावलं उचलण्याची आणि काहीतरी काम करण्याची खरंच गरज आहे। आज जे डॉक्टर समाजासाठी सुरक्षित नाहीये, त्यांचं जे कुठलीच गोष्ट व्यवस्थित नाहीये, त्याच्यासाठी आपल्या सर्वांना समाजाचा एक घटक आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो म्हणून उभं राहण्याची गरज आहे। आज त्या डॉक्टरांसाठी आम्ही सगळे डॉक्टर प्रोटेस्ट करत आहोत आणि आम्हाला न्याय हवाय। हिंसाचार नको, न्याय हवा। सेवा ज्यावेळेस तुम्ही आम्हाला सुरक्षा द्याल त्यावेळेस मिळेल। सुरक्षा नाही, सेवा नाही। वी वांट जस्टिस, नो जस्टिस, नो ड्यूटी। थँक यू। हम सबको पता है कि कोलकाता में कैसे घटना हुई है, जिस तरह से डॉक्टरों के साथ व्यवहार किया जाता है, तो हम सब डॉक्टर इस परिस्थिति में गए हैं कि जब पेशेंट या उनके रिलेटिव हमारे साथ हिंसा करते हैं, पर हम समाज के एक घटक होने की वजह से हम इस चीज को सह लेते हैं, पर इसके आगे हम सह नहीं सकते। इसके जो हिंसा हुई है या जो डॉक्टर के साथ, गवर्नमेंट ने कुछ रूल या कुछ लॉ निकालना चाहिए। इसके वजह से जो सेफ्टी है डॉक्टर की, वो डॉक्टर के साथ हिंसा होती है वो कम हो सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, जो बलात्कार हुआ है, इस तरह से जो फीमेल डॉक्टर की सजा दी जाए।